जय श्री कृष्णा मेरे सभी भाइयों को। और भाइयों, अभी एक बहुत बड़ी फिल्म के बजट का अनाउंसमेंट हुआ है खेसारी लाल यादव जी की। यह फिल्म लगभग 5 से 6 करोड़ के बजट में तैयार होगी और यह फिल्म यदुवंशी राजा वीर लोरिक के इतिहास के ऊपर होगी। यदुवंशी इतिहास की यह दूसरी फिल्म होगी। पहली फिल्म बाहुबली बनी थी, जो कि यदुवंश के हयवंश साम्राज्य के ऊपर बनी थी, जिसकी स्थापना हयवंशी यादव सम्राट सहस्त्रबाहु कीर्तिवीर अर्जुन ने की थी। बाहुबली मूवी पूरे देश में लोकप्रिय रही और बहुत सुपरहिट हुई, जो कि महिष्मति साम्राज्य के ऊपर बनाई गई थी। अब यह दूसरी फिल्म वीर लोरिक के जीवन के ऊपर बनाई जाएगी। इस फिल्म के बारे में इस फिल्म के प्रोड्यूसर विजय यादव क्या बोले, आप खुद सुनिए। हम लोग करेंगे और सब्जेक्ट खोला जाएगा, समय आने दीजिए। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना और इस फिल्म के प्रोडक्शन का काम चल रहा है, स्टोरी का काम खत्म हो चुका है। खेसारी लाल यादव हीरो होंगे और वीर लोरिक का किरदार निभाएंगे और इस फिल्म की बहुत जल्द शूटिंग शुरू होगी। खेसारी लाल यादव से मीटिंग भी हो चुकी है और सब कुछ फाइनल हो चुका है। यह फिल्म बहुत ही बड़ी फिल्म होने वाली है। जिस तरह बाहुबली फिल्म बनी थी, उसी तरह की यह फिल्म भी होने वाली है। तो चलिए अब बताते हैं कौन थे वीर लोरिक और क्या है उनका इतिहास। वीर लोरिक का जन्म 5वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश के गोरा गांव में हुआ था। अहीर घराने में जन्मे वीर लोरिक के पूर्वज कन्नौज से विस्थापित होकर आए थे। वीर लोरिक ने उस समय के सबसे क्रूर राजा मौलागत को हराकर अपनी प्रेमिका को आज़ाद करवाया था। मौलागत के साथ युद्ध में इतना खून बहा कि इसके पास अघोरी नाली का नाम रुधिर नाला पड़ गया। वीर लोरिक ने अपने एक मुक्के के प्रहार से ही मौलागत के हाथी को मार दिया था। वीर लोरिक माँ काली के बहुत बड़े भक्त थे। माता की शक्ति से इनकी भुजाओं का बल अत्यंत शक्तिशाली हो गया। माता द्वारा दी गई 80 मण की तलवार से इन्होंने अपनी पत्नी मंजरी के कहने पर एक विशाल पत्थर की शिला को एक ही प्रहार में 2 भागों में विभाजित कर दिया। यह खंडित शिला आज भी सोनभद्र में मौजूद है। वीर लोरिक ने अपने जीवन में 80 से ज़्यादा भयंकर युद्ध लड़े और हर बार विजय हुए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। और मैं तो इस फिल्म को लेकर बहुत ही एक्साइटेड हूँ। और आप क्या सोचते हैं इस फिल्म के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।